अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियाँ दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान के हवाले से, वैसे भी आप घर में बना सकती हैं, चिकन पकौड़ा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसान सी रेसिपी है। आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, रोज़ों में भी आप ज़रूर बनाएं। आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, आप गर्दने भी है इसके अंदर बोनलेस, जैसे भी आपने चिकन लेना है आप ले लें। मैंने बोटियों को छोटा नहीं किया, मैंने चिकन को जिस साइज़ की बोटियाँ होती हैं उस साइज़ में ही रहने दिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी थ्री टेबल स्पून, मैंने इसके अंदर बेसन के डाल दिए हैं। टू टेबल स्पून इसके अंदर मैं मैदे के डाल दूंगी। टू टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून नमक, वन टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकती हैं। दो चुटकी अजवाइन, दो से तीन चुटकी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसमें मैंने कोई नहीं डालना पानी वगैरह, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम रख देंगे। चाहे आप फ्रिज में रख दें, चाहे आप बाहर पड़ा रहने दें, ये चिकन जो है वो खुद ही अपना पानी छोड़ेगा। तो फिर हम इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। अभी मैंने इसके अंदर अंडा नहीं डाला, अभी मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी ताकि ये जो चिकन है जितना इसने पानी छोड़ना है उतना ये पानी छोड़ दे। तो फिर इसके अंदर हम अंडा डालेंगे। इसको मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया, कवर कर दूंगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पड़ा रहने दूंगी। ये पानी इसका निकला था और मैंने इसके अंदर एक अदद अंडा डाला है। अंडा डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये जो मटेरियल है वो सारा चिकन के साथ लग गया है और ये चिकन पकौड़ा बहुत मज़े का तैयार होता है। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, ज़रूर घर में बनाएं। ये देखें, सारा मटेरियल जो है वो इसके साथ चिपक गया। आइए इसके पकोड़े निकालना शुरू करते हैं। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। अब ये जो मैंने चिकन पकोड़ा जो मैंने इसकी रेसिपी तैयार की है ये मैं इसके अंदर आराम से ट्रांसफ़र कर दूंगी। लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाए। पकोड़े इसके, आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें, घर वाले बहुत पसंद करेंगे। इसे आ सकते हैं आप उतने आसानी से इसके अंदर डाल दें। जी व्यूअर्स, मैंने सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दिए हैं, सारे पकोड़े इसके अंदर आ गए हैं, मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना। जब ये एक साइड से तैयार हो जाए तो हम इसकी साइड को पलटते जाएंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए। आप देख रही होंगी इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसी तरह से हमने दोनों साइडों से इसको पकाना है, इसकी साइडों को पलट देना है। जब अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट एक साइड से हम इसको पकाएंगे और अच्छी तरह से यह अंदर से गल जाए चिकन जो है। जी व्यूअर्स, सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे सारे पकौड़ों को। चिकन पकौड़ा बहुत मज़े का बनता है, इसी रेसिपी को फॉलो करें, घर में ज़रूर ट्राई करें। आगे रमज़ान आ रहा है, रोज़ों में भी इसको बनाएं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें इस तरह से इसका कलर आया, तो मैंने अब इसको निकालना शुरू कर दिया है। इस तरह से हम सारे पकोड़े निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि चिकन पकौड़ा तैयार हो चुका है, मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए हैं, डिश आउट कर लिए हैं। इस रेसिपी को आप फॉलो करें, घर में बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आगे रमज़ान आ रहा है, रोज़ों में भी आप इसको बनाएं, वैसे भी आप घर में बनाएं। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि चिकन पकौड़ा कितना मज़े का लग रहा है, खाने में भी ज़बरदस्त है और ये बनाने में भी बहुत मज़े का ये लगता है कि ये बहुत मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, बनाएं, लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़रूर बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।